गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में। बुद्ध से संबंधित एक अनोखी और अद्भुत बात लेकर के आया हूँ, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप लोगों में से कई लोग ये कहते हैं पंडित जी इस पे कार्यक्रम बनाओ, इस पे कार्यक्रम बनाओ, राशिफल बनाओ, पर मैं बाकी तो लोग कुछ लोग कहते हैं कि पूजा पाठ पे आप नहीं बनाते। मैं नहीं बनाता इसलिए कि क्योंकि आपको वो सब चीज़ें तो मिल ही जाती हैं कहीं ना कहीं से, पर आज जो विषय लेकर के आया हूँ ये निस्संदेह आप लोगों को थोड़ी नई और अलग तरीके की अनोखी जानकारी लग सकती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बताने वाला हूँ और बुद्ध के बारे में आज का कार्यक्रम केंद्रित है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में बुध ग्रह को लेकर के एक अद्भुत चर्चा लेकर के आया हूँ। ये जो है वो आपको बड़ी अजीब लगेगी और अनूठी भी है, सो कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और आइए आपको सबसे पहले मैं विषय पर यूं ही बता देता हूँ कि मिथुन, तुला और कुंभ, ध्यान से समझिएगा मेरी तरफ देख के, मिथुन, तुला और कुंभ राशि में जब बुध बैठे होते हैं तो वो जातक के जीवन को या हमेशा ही जातक को एक कुमार की भांति रखते हैं। कुमार मतलब एक ऐसा कुमार अवस्था का व्यक्ति या बालक, जब जैसे ही वो कुमार अवस्था में जाता है तो, या फिर जब इन्हीं राशियों में बुध बैठे होते हैं तो वो हमेशा ही जातक को कुमार की भांति परिणाम करने वाले या कुमार जैसा उसका नेचर हो जाता है। मतलब वो विनय करेगा, मेरा काम कर दो, जब उसके ऊपर कोई प्रताड़ित करे तो वो गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा। कुमार होता है तो हठी होता है, बुद्धिमान होता है, ऐसा नहीं है, बुद्धि शांत भी होती है और बहुत ही विलक्षण होता है, तीव्र बुद्धि का होता है, तुरंत ही किसी चीज को समझ जाने वाला, तुरंत ही किसी चीज को देख करके उसकी कॉपी क्रिएट करने वाला, ऐसा होता है। जरा ध्यान से समझने की बात है, चापलूस भी हो जाता है, चंचल भी होता है, चालाक भी होता है। ये इन राशियों में अगर बैठे हो तो इसको आप लोग अब निभाते, मतलब देखते रहिए कि ये कैसे इनका जो है वो परिणाम दिखता है। मतलब ये तीनों ही राशियों में जब बुध बैठे होते हैं तो इस तरीके के कुमार, एक बच्चा जो कुमार अवस्था को प्राप्त करता है उसके भांति वो, आप कुमार को तो आप जानते हैं कि कैसा वो परिणाम करता है कुमार अवस्था, ठीक उसी तरीके से जब मेष, सिंह और धनु राशि में बैठे हो तो वो तरुण हो जाते हैं, मतलब कुमार से बड़े। अब तरुण अवस्था के हो जाएंगे तो कामाग्नि प्रबल होती है, मतलब अगर बुध मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में बैठे होंगे तो अब यहां पे आप लोग तो ये जानते हैं कि किसी विशेष अंशों पे जाकर के जितने भी ग्रह होते हैं वो सम संख्या और विषम संख्या के आधार पर विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं और किसी भी व्यक्ति के जीवन को या मानव जीवन को या प्राणी के जीवन को अवस्थाओं का जो है वो, विभिन्न अवस्थाओं को उनको द्योतित किया गया है कि ये जो है वो बालकपन में है, फिर उसके बाद कुमार हो रहा है, फिर उसके बाद प्रौढ़ हो रहा है, फिर उत्तरावस्था को प्राप्त कर, ऐसे ऐसे जो है वो विभिन्न अवस्थाएं उसकी होती हैं जो प्रायः अंतिम में मृतप्राय या मृत्यु को प्राप्त कर जाने वाली अवस्था हो जाती है। जैसे कुमार, तरुण, प्रौढ़ और वृद्ध, ये चार अवस्थाएं प्रमुख होती हैं, इनमें ही ग्रहों का जो है वो समायोजन होता है। तो वस्तुतः अब ये बात समझने की है कि आपकी कुंडली में बुध किन राशि में बैठे हैं, मतलब किन किन राशियों में वो बैठ करके कैसा प्रभाव देते हैं। तो अगर मिथुन, तुला और कुंभ के होंगे तो जातक को कुमार की प्रवृत्ति का बना देंगे, मतलब एक ऐसा जातक जो बदलने वाला है, तुरंत ही उसके ऊपर किसी का प्रभाव पड़ जाने वाला है, गिड़गिड़ा करके अपना काम करवाने की हैसियत भी रखता है और उसके पीछे वो भागता भी है। और अगर वही मेष, सिंह और धनु के होते हैं तो उनके अंदर उग्रता हो जाती है, वो जिद्दी हो जाता है, हठी हो जाता है, जिस काम को ठान ले वो कर लेना चाहता है, क्रोधी, उन्मादी, क्योंकि अब यहां पे वो
तरुण अवस्था को प्राप्त कर चुका है। और तरुण अवस्था में जब कोई भी व्यक्ति होता है तो उसकी एक मेंटेलिटी होती है जहां वो क्रिएट करता है एक नया सामान्यतया, एक सामान्यतया किसी भी चीज के बारे में अब उसके थॉट क्रिएट होते हैं या फिर वो अपनी विचारधारा विकसित करता है कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए, ऐसा प्रभाव होना चाहिए, उसके रंग रूप और किसी भी चीज को लेकर के उसका एक अपना दर्शन काम करना शुरू करता है। और वो जिद्दी भी होता है, अपनी बातों को रखने का एक उसके पास अलग सा वातावरण भी होता है और वो उसको बनाने का प्रयास भी करता है। ये छोटी छोटी बात बता रहा हूं पर इसको आपको खुद से समझना होगा कि जब आप कुमार अवस्था में होते हैं तो वस्तुतः बुद्धि शांत होती है, तीव्र भी होती है, ग्रास्प और कैपेसिटी जो दिमाग के सहन शक्ति की बात होती है वो थोड़ी जल्दी सहन शक्ति नहीं कर पाता या फिर उस वो अपने विरोध की बात नहीं सुनना चाहता, तुरंत ही उग्र हो जाता है। लेकिन हाँ, बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, वो तुरंत ही किसी चीज को पकड़ लेता है। तो ये कुमार अवस्था में बुद्ध वो कब, मिथुन तुला और कुंभ के। लेकिन मेष सिंह और धनु के जब होंगे तो वो ग्रह तरुण अवस्था का फल करने लगता है। डिग्री के आधार पर की बात नहीं कर रहा, ये अलग बात है, वो डिग्री हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो तरुण अवस्था में जब होगा तो वो कुमार से थोड़ा अब वहां पे जो है वो थोड़ी सी उसमें सिंसेरिटी आ जाती है, अब वहां पे वो सच्चा होने लगता है धीरे धीरे। अब उसके पास जो है वो जल्दी ही क्रोध की अधिकता भी बढ़ जाती है, वो क्योंकि अब जवान है। और जैसे वृषभ कन्या और मकर राशि में अगर आपकी कुंडली में बुध बैठे हो, वृषभ राशि में, कन्या राशि में और मकर राशि में, तो अब वहां पे उसके पास एक अनुभव का संग्रह उसके पास हो जाता है, मतलब अब वो अनुभवी है। प्रत्येक ग्रह, अब एक बात है बड़ी कि ज्योतिष जैसे विषय को जब आप समझने चलते हैं तो आपको अपने सभी द्वार खोलने होंगे और किसी एक परिपाटी को लेकर के आप कभी भी ज्योतिष जैसे विषय का अध्ययन नहीं कर सकते। यहां पे हर एक कुंडली हर एक व्यक्ति के ऊपर अलग दायरा बनाती है और उसके अलग आक्षेपों का जो है वो निर्माण करती है या आक्षेप जो लगते हैं और हटते छूटते हैं। एक ही व्यक्ति के जीवन में कई तरीके की घटनाएं घटित होते हुए देखा जाता है, पर कई बार वही ग्रह, जैसे मैंने क्या बात कही है कि एक ही भाव में जब कई ग्रह बैठ जाते हैं तो भाव विक्षिप्त होता है, परेशान होता है। पर कुछ ऐसी कुंडलियां भी होती हैं जहां पे वो भाव उतना ही प्रबल हो जाता है। आप एक ही चीज से एक ही विषय पे कई सारे पहलू बना करके ज्योतिष जैसा विषय प्रस्तुत करता है और उसको वैसे ही देखने की बारी भी है। इस पे मैं आगे भी और बात बताऊंगा जिसको कि बिल्कुल ही सूक्ष्मता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो बुध जो है वो अगर वृषभ कन्या और मकर के बैठेंगे तो प्रौढ़ावस्था का परिणाम करने लगता है। आप इसको सामान्य जीवन पे घटा करके देखिएगा तो व्यक्ति के पास अनुभव भी हो जाएगा, वो समझदार भी हो जाएगा, गुणी भी हो जाएगा, बुद्धिमान भी हो जाएगा, स्थिर दिमाग का हो जाएगा। अब उसके पास अनुभव है और वो अपने अनुभवों का संग्रह करता खुद से बनता है, क्योंकि वो तब तक कुमार और तरुण अवस्था को भोग चुका होता है और अब जाकर के वो प्रौढ़ बना है ना। ये अद्भुत बात और बिल्कुल ये नई बात हो सकती है मैं जहां तक समझता हूं। उसके बाद जैसे ही अगर आपकी कुंडली में बुध अगर कर्क राशि के बैठे हो, वृश्चिक राशि के बैठे हो, मीन राशि के बैठे हो, ये बिल्कुल ही बात सर्वथा सिद्ध होती है कि वो जातक। अब वृद्ध क्या होता है, वृद्ध जो जन होते हैं वो क्या करते हैं, वृद्ध जो है वो जीवन भर का अनुभव अपने पोता पोती बेटा और अपने कुटुंब को देना चाहता है, पर उस वृद्ध की बात कोई सुनना नहीं चाहता। मतलब यहां पे एक बात सीधी दिखती है कि बुध जब इन राशियों में बैठ जाते हैं तो उसके पास अनुभव तो है पर वो कुछ कर नहीं सकता। मतलब उसके पास जो कम्युनिकेशन है, जो उसकी बुद्धि लब्धि क्षमता है, जो उसका ज्ञान है, जो उसका अनुभव है, जो उसने प्राप्त करे हैं जीवन में जी करके, वो उसके पास होने के बावजूद भी उसको बता नहीं पाए या उसका इस्तेमाल ना कर पाए या उसको ही सही तरीके से रिप्रेजेंट ना कर पाए। मतलब इन राशियों में जाकर के अगर जैसे बुध में मीन में ही तो नीच के होते हैं, वृश्चिक में वृश्चिक राशि होती है जहां पे वो रोग की राशि हो जाती है, कर्क राशि जल तत्व की राशि जहां बुध चंद्रमा को बहुत अच्छा मित्र मानते नहीं शत्रु मानते हैं, क्योंकि जो बुध हैं वो वस्तुतः तो चंद्रमा के ही पुत्र थे, चंद्रमा के ही पुत्र माने जाते हैं, क्योंकि तारा के गर्भ से जब इनकी उत्पत्ति हुई थी, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी जो तारा थी उनके, वो इतनी सुंदर थी
कि वस्तुतः उस पे चंद्रमा का मन मोहित हो गया और उनका उन्होंने अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद उनसे उनका जो है वो संबंध बना और उनका बीज उनके कुक्षी में प्रवेश कर गया। अब तारा जो है वो गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तो उसके बाद फिर जो है वो तारा देवगुरु बृहस्पति के पास गई तो उन्होंने कहा कि ये गर्भ मेरा नहीं है, इसे नष्ट कर दो। इस वजह से जो है वो कई बार संग्राम की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब वहां पे झगड़े और झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब स्वयं ब्रह्मा जी को आना पड़ा। जब ब्रह्मा जी वहां आते हैं और वहां पे ये बात जब उन्होंने अणुरूप में तारा ने जो है वो वहां पे बुद्ध को अणुरूप में बाहर निकाला है, उसका जो है वो गर्भ नष्ट नहीं हुआ बल्कि अणुरूप में उसे बाहर निकाला है। और वो बालक इतना सुंदर था कि जब स्वयं भगवान ब्रह्मा ने वहां पूछा है कि ये किसका पुत्र है तो अब तारा शर्म और संकोच से बोल भी नहीं रही थी। चंद्रमा को भी जो है वो वहां पे उनकी बोलती बंद हो जाती है कि उन्होंने ऐसा घृणित काम किया था। तो वो बच्चा स्वतः ही बोल उठता है कि मैं, और अगर जो ऐसी बात है कि मैं किसका पुत्र हूं तुम जल्दी से बता दो। तो ऐसी स्थिति में आकर के भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और उसे जो है वो बुद्धिमता का वरदान दे देते हैं कि तू बुद्धि का कारक होगा, जिसको भी बुद्धि की आवश्यकता होगी वो तेरी पूजा करेगा। तभी तो लेखक बन जाए, ज्योतिषी बन जाए, ज्ञानी बन जाए, प्रवक्ता बन जाए, गणना करने वाले बन जाए, कैलकुलस के शिक्षक बन जाए, गणना प्रधान जितने भी क्षेत्र होते हैं वो सब बुद्धि से जो काम करे जाए, वाणी से जो काम करे जाए वो सब बुद्धि से प्रभावित होते हैं। आप लोग तो ये जानते ही हैं। तो यही ये कहानी है। तो वस्तुतः जो है वो बुद्ध को ये राशियां पसंद नहीं है, इस वजह से ही वो यहां आ करके और हो करके या बैठ करके बहुत अच्छे परिणाम नहीं देने वाले हो जाते हैं। ये अलग तरीके का लॉजिक है जो मैंने इसे आप लोगों के सामने ऐसे एक रिसर्च की बात है जो कि समझने की बात है कि वस्तुतः बुद्ध जो है वो किन किन राशियों में किस तरीके का परिणाम करते हैं, जो बिल्कुल ही नया संभव है कि हो सकता है, जिसपे कि निसंदेह एक अध्ययन की आवश्यकता है। अभी तक हम लोग सिर्फ यही जानते थे कि इतने डिग्री का है, सम संख्या में बैठा है तो इस अवस्था को प्राप्त होगा, इतने डिग्री का बैठा है पर इस अवस्था को प्राप्त करके बैठा है तो यही होगा। पर वस्तुतः इससे बाहर निकलने की बारी जब आती है तो निसंदेह ये बात भी सामने आ जाती है। जब आप इन ग्रहों को, मैंने क्या बात कही थी, मैं प्रत्येक कुंडली से कुछ ना कुछ चुराता हूं और प्रत्येक कुंडली से कुछ ना कुछ लेता हूं, तो ये बात भी सामने आ सकती है। और निसंदेह ये बात बड़ी ही विलक्षण है कि ऐसे गुण जातक के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको आप लोग अपने जीवन पे भी घटित होकर के देखने की आवश्यकता है कि आखिर मीन में ही बुद्ध नीच के क्यों होते हैं, क्योंकि वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। वृश्चिक में क्यों, क्योंकि ये रोग की राशि है, यहां रोगी हो जाती है, बुद्ध को रोग लग जाता है और कर्क राशि को वो शत्रु मानते हैं। चंद्रमा से उनका विच्छेद मतलब वो ठीक नहीं होता संबंध, क्योंकि ये मेरा पिता है पर मुझे बोलने की या मुझे अपनाने की ताकत इसमें नहीं है, या इसने मेरे ही साथ कुत्सित कर्म किए हैं, या फिर मैं इसका पुत्र होने के बावजूद भी मुझे उसने अपनाया नहीं है, या फिर ऐसा कुछ, आप जो भी उस पर अपना विचार रख सकते हैं। तो ये स्थिति जो है वो बुद्ध को कमजोर कर देती है, जहां उसके पास समस्त प्रकार के अनुभवों के और संग्रह होने के बावजूद भी वो वृद्ध होकर के मतलब वहां पे लूज हो जाता है, नुकसान में जाता है, या उतना एक्टिव नहीं हो पाता जितना उसको होना चाहिए। ये समझने की बात है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वस्तुतः आपकी कुंडली में बुद्ध कहां बैठे हैं। ये बहुत ही विलक्षण और बहुत ही अद्भुत बात है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? गति, मुक्ति, जन्म, मरण, प्रभाव, अभाव, ज्ञान, वैराग्य, चिंतन, मनन, स्मरण, अवस्था, स्थिति, पुनरुद्धार, मोक्ष और पुनर्जन्म, इन सब का कर्ता धर्ता मैं ही हूं। अब इस पे मैंने कल बात बता रखी है, इस पे तो आज इतनी ही बात करूंगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, तब तक के लिए। और हाँ ये बोल रहा था कि मुझे जो है वो कल नेहा जी ने बात कही थी कि पंडित जी आप द कश्मीर फाइल जरूर देखिएगा। अब मैं जहां रहता हूं यहां पे सिनेमा हॉल है ही नहीं, मैं कहां जाके देखूं। और किसी ने मुझे कहा था कि आप इसे जाकर के जब भी देखना तो हॉल में ही देखना, इससे जो है वो डायरेक्टर साहब को पैसे मिलेंगे।
और बहुत अच्छी बात है, हमें हॉल में ही देखना चाहिए उसको, जो है जहां भी देखें वो उसे सिनेमा घर में ही जाकर के देखना चाहिए। देखता हूँ कैसे स्थिति बनती है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इस जो है वो इस फिल्म के बारे में बड़ी बात कर रहे हैं और बहुत ही जो है वो अच्छी फिल्म बता रहे हैं। देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कब मेरे पास वक्त होता है, तब तक ले इजाजत दीजिए। ये इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है, और सामान्यतया हम सिर्फ अपने हाथों में वेद और पुराणों को रखने के साथ साथ हमें कई और चीज़ों को भी रखने की आवश्यकता होती है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।